हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मलाई लेफ्ट ओवर से तिल की बर्फ़ी। तो मकर संक्रांति पर मैंने सोचा मलाई लेफ्ट ओवर रखा हुआ है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं इसके लिए 100 ग्राम तिल। इसको मैंने हल्की मीडियम फ्लेम पर भूनना शुरू कर दिया है। मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में और ये भुनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरीके से बस कम गैस रखनी है जिससे जले ना तिल। ये हमारे तिल तैयार हो गए हैं। अब उसके बाद हमें लेना है एक मिक्सी का जार, तो इसको थोड़ा ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम मिक्सी के जार में इनको डालेंगे। ये मेरे तिल ठंडे हो गए हैं तो मैंने इनको मिक्सी में पलट लिया। और मैंने 4-5 ले लिए हैं इलायची। इसको मैंने इसका छिलका उतार कर इसके दाने दाने निकाल लिए हैं। इनको मैं तिल के साथ ही डाल दूँगी जिससे वो उसी के साथ पाउडर के फॉर्म में पिस जाएगी। अलग से मुझे पीसनी नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये इसका पाउडर बना लिया है। बस अब मैं इसका पाउडर बना लूँगी। अब ये ले लिया मैंने, जो हमारा मलाई लेफ्ट ओवर था ना वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया। इससे पहले ही मैंने ये मिक्सी में चला चुकी हूँ मैं इसको, तो ये एकदम जैसे डो होता है ना हमारा रोटी बनाने वाला, इस तरीके से बिल्कुल फाइन बढ़िया बन गया है। तो उसमें मैंने ऐड कर दिया है अब ये जो हमने तिल भुने थे और ये बूरा। अब ये करछी से ही इस तरीके से हल्की गैस चलानी है, बहुत ही कम, जिससे ये बिल्कुल जले ना नीचे से। तो बस इस तरीके से ये मिल जाएगा सारा। थोड़ी सी गर्माहट पाते ही बूरा सारा इसी में मिक्स हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से ही बस इसको घुमाना है धीरे धीरे और ये इसको बढ़िया एकदम अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। अब मैंने एक थाली ले ली है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया है, देसी घी लगा दिया है इस पर। उसके बाद ये सारा मिक्सचर हम इसमें पलट देंगे और करछी से दबाते हुए इसको एकदम प्लेन बना लेंगे, जैसे बर्फ़ी बनती है उस तरीके से। सारा मैंने पलट लिया है ये। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारा मिक्सचर इस थाली में पलट लिया है। और इसकी थोड़ी ज़्यादा पतली ना करें, इसकी लेयर थोड़ी मोटी सी रखें। ये देखिए इस तरीके से। अब जो मैंने पाउडर पहले ही थोड़ा सा पाउडर रख लिया था मैंने तिल का, तो वो हमको इस पर स्प्रिंकल करना है जिससे अच्छा लगे दिखने में। ये मैंने तिल का पाउडर इस पर स्प्रिंकल कर दिया। अब ये रूम टेम्परेचर पर जब आ जाए, थोड़ा सा ही गुनगुनाया वैसे, उसके बाद इसको हम गार्निशिंग करेंगे। पहले तो ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करके उसके बाद हम फ्रिज में 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए इसे रख देंगे। उसके बाद हम इसकी पीसेस को कट कर लेंगे चाकू से और ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगली और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस तरीके से बनाएं और सबको खिलाएं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। थैंक यू।